मैं हूं राजीव, आप देख रहे हो केटर राजीव। दोस्तों, आप लोग YT स्टूडियो के अंदर में जानते हो तीन सेटिंग आप लोग ऑन नहीं करते हो, जो वायरल हैशटैग सेटिंग है, क्योंकि आप लोग उसके बारे में जानते ही नहीं हो और ना कोई यूट्यूबर बताया है कि कहां से ये सेटिंग को ऑन करना है और कैसे करना है। क्योंकि आप लोग YT स्टूडियो में सिर्फ जाते हो, कितना व्यू आया वीडियो में, कितना सब्सक्राइबर बढ़ा, बस इतना ही बात करते हो दोस्तों, और आगे के बारे में सोचते ही नहीं हो, बस देखते रहते हो बड़े क्रिएटर का कि भाई उसका वीडियो ऐसा रैंक कर रहा है, ऐसा वायरल कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइक करने के लिए, क्योंकि अगर आप जिस ईमेल आईडी से अपना चैनल बनाए हैं, अगर उससे आप लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो चैनल है, आपका जो ईमेल आईडी है, उसमें जा कर के फंस जाता है। जैसे बड़े क्रिएटर हो गया, कोई भी हो, अगर आप किसी का भी देख रहे हो, अगर आप उसको लाइक करते हो तो आपका जो है ईमेल आईडी फंस जाएगा उसमें। बट आप लोग करते क्या हो, ना लाइक करना चाहते हो, सोचते हो भाई तो ऐसा क्या है वीडियो में, मैं क्यों लाइक करूं। बस आप लोग का सोच, छोटी सोच ना, यही जो है आपको डाउन करता है, डीमोटिवेट करता है। अगर मोटिवेट होना है ना दोस्तों, तो आप लाइक करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं वो वायरल तीन हैशटैग सेटिंग कहाँ है और कहाँ से आपको ये कहाँ पे लगाना है, लेकर के सारा कुछ मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जैसे आप YT स्टूडियो को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है एनालिटिक का ऑप्शन। ठीक है, आप एनालिटिक वाले पे आपको चले आना है। जैसे आप एनालिटिक पे चले आओगे, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा व्यू और सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, ऐसा सब चीज़ मिलेगा आपको देखने के लिए। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप सोचोगे भाई आप पहले वीडियो वायरल कर लो, तो चलो जो मेरा वीडियो में व्यू पहले फर्स्ट में जो आता था, एक दो महीना पहले जब मैं स्टार्टिंग किया था चैनल को, तो मेरे वीडियो में भी 10 20 25 30 40 व्यू आता था। ठीक है दोस्तों, पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि यह तीन हैशटैग वायरल सेटिंग कहाँ से लगाना है और कहाँ से हमको देख करके कहाँ पर डालना है। ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपना वीडियो दिखा देना चाहता हूं आपको कि कैसा रैंक किया है, जब मैं वो तीन सेटिंग को मैं जब अप्लाई किया तो हमको कैसा रिजल्ट देखने के लिए मिला, आपको आँख के सामने दिखाता हूं लाइव में। तो चलिए मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना दिखा देता हूं वीडियो। तो आपको कंटेंट पर आ जाना है। आप जैसे कंटेंट पर आओगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का जो है ऑप्शन मिलेगा, बस इस 3 डॉट पे जा करके हम आपको मोस्ट विविड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो देख सकते हो 16,000 से पार कर चुका है और 383 जो है लाइक मिला है आपके सामने। उसके बाद मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, तब विश्वास होगा। अब देख सकते हो 16,700 के जो व्यू आया है और उसके बाद हमको जो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखो कितना है, 1.556। तो अब देख सकते हो आपके सामने, अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करके दिखाने के बाद आपको दिखा सकता हूँ 16,774 व्यू आ रहा है आपके सामने और उसके बाद देख सकते हो रियल टाइम का जो व्यू है मेरा 202 है। उसके बाद YouTube सर्च से भी आ रहा है, देख सकते हो 28 सजेक्टेड से वीडियो मेरा आ रहा है कितना, 172। आपको करना क्या है, आपको मैं इसलिए दिखाया, मैं आपको पहले का वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब नया नया चैनल था, जब 2 महीने हुआ था, मेरे वीडियो पे कितना व्यू आता था और सब्सक्राइबर कितना मिलता था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा वीडियो में पहले क्या रिस्पॉन्स था। सबसे मैं लास्ट में ले करके आपको चलता हूँ, दिखा देता हूँ कि क्या था और कैसे अभी व्यू आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट का वीडियो हम दिखा रहे हैं, अब भी कुछ बड़ा है, पहले जो है 20 10 15 ऐसे आता था आपके आँख के सामने, देख सकते हो अभी भी 80 है, 73 है। और अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अभी जो मेरा वीडियो में जो रिस्पॉन्स आ रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए।
उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं भाई झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो आप लोग सच्चाई तो जानना नहीं चाहते हो। जो मैं वो 3 ट्रिक को अप्लाई किया तो मेरा वीडियो में किस तरह से व्यू आता है आपके आँख के सामने दिखाता हूँ, देख सकते हो। थोड़ा ओपन हो रहा है, मैं ओपन होने के बाद दिखाता हूँ। आप देख सकते हो 16,000, 14,000, 7,500, 6,500, 4,500, ऐसा करके व्यू आ रहा है। अब सारा वीडियो में आप देख सकते हो, जब मैं ये 3 ट्रिक को अप्लाई किया उसके बाद ये मेरे को रिजल्ट देखने के लिए मिला भाई। तो आपको भी ये, अगर आप ये ट्रिक लगाते हो तो आपका भी चैनल ग्रो होगा और वीडियो में व्यू आएगा इसी तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से जो है वो 3 वायरल ट्रिक लेना है। तो सबसे पहले मैं बाइक आ जाता हूँ, उसके बाद एनालिस्टिक पे आपको आ जाना है। एनालिस्टिक पे जैसे आप आओगे उसके बाद आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ऊपर में आप देख सकते हो कंटेंट का ऑप्शन है, बस कंटेंट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटेंट वाले पे क्लिक करते हो उसके बाद थोड़ा ऊपर की ओर जो है इंस्टॉल करना है, और उसके बाद जो व्यूअर्स फाइंड योर वीडियो, बस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बाजू में थोड़ा ऐसे करना है और आपको थोड़ा ऐसे और आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब सर्च ट्रिम, यहीं पे वो 3 ट्रिक है जो मैं अप्लाई करता हूँ हर एक वीडियो में और हमको अच्छा खासा व्यू मिलता है। कम सब्सक्राइबर है, आप देख सकते हो 800 के लमसम सब्सक्राइबर है, तब पर भी मेरे वीडियो में 4,000, 5,000, 14,000, 20,000 व्यू आ रहा है। कैसे? क्योंकि मैंने इस ट्रिक को लगाया हूँ, आपको भी लगाना है। अगर आज से शुरू आप कर दोगे तो आपका भी वीडियो में व्यू आएगा और चैनल ग्रो होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे को वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगा आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 वायरल ट्रिक है, बस यही 3 को लगाना है, सभी को नहीं लगाना है, इसको ओपन करके नहीं करना है। देख सकते हो जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, जो 3 दिख रहा है, बस आपको क्या करना है, जब वीडियो आप अपलोड करते हैं बस इस 3ों को आपको हैशटैग के साथ में लगा देना है, हर एक वीडियो में लगाना है। जब 4-5 वीडियो में आप लगा दोगे तो एक दिन ना एक दिन देखना 5वां 6ठा वीडियो कोई एक वायरल हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। तो आपको ये पूरा ऐसे इसको क्लिक करके, सभी को नहीं लगाना है, ये जो सारा दिख रहा है आपको बहुत सारा दिखता है बट इनको नहीं लगाना है, हमको जो 3 दिख रहे हैं बस इस 3ों को लगाना है। अगर आप लगा दिए, नीचे में जो हैशटैग लगाते हो ना, अपना चैनल का हैशटैग लगाते हो, आप क्या चीज़ से वीडियो बना रहे हो उसका हैशटैग लगाते हो, और ये 3ों का जो है हैशटैग लगाना ज़रूरी है। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।